नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिटर के एक और फैंटेसी की वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स मुकाबले के बारे में। दोनों टीमों के अगर अभी तक के रिकॉर्ड्स की बात करें इस आईपीएल में, तो दोनों टीमें, एक तरफ चेन्नई की बात करें पहले, तो वो चेन्नई टॉप थ्री में आपको देखने को मिल रही है। अच्छी वापसी करी है इन्होंने पिछले मुकाबले में, सनराइजर हैदराबाद को 78 रन से उन्हीं के घर में मात देकर आ रहे हैं। जबकि पंजाब किंग्स ने भी सीजन बहुत बेहतर प्रदर्शन करा है, अगर देखा जाए तो हर मुकाबले को बड़े क्लोज तक ले जाते हैं। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो केकेआर के सामने उन्हीं के घर में 262 रन चेज कर दिए थे भैया, बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली थी वहां पे। और जिस तरीके से वहां पे पारी देखने को मिली थी हमें, शतकीय पारी जॉनी बेस्ट्रो की, वहां पे अर्धशतक आपके लगाए थे शशांक सिंह ने, 68 रन बड़े ताबड़तोड़ बनाए थे। उसके बाद प्रभसिमरन ने भी ओपन करते हुए बहुत अच्छी पारी खेली थी। दोनों टीमें पिछला मुकाबला अपना जीत कर आ रही हैं और अब ये चलेंगे चेपॉक में खेलने, दोनों एक दूसरे के सामने, यानी कि एक बार फिर से सीएसके अपने घर में अब मुकाबला खेलेगी। और अपने घर में हम सबको पता है कि सीएसके को हराना बहुत मुश्किल होता है। मुकाबला काफी मजेदार होने वाला है, बुधवार को यह मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि 1 मई को यह मुकाबला होने वाला है। और साथ ही बता दें, इस मुकाबले में आपको एक बार फिर से धोनी दिखेंगे, तो दूसरी तरफ शिखर धवन शायद आपको खेलते हुए दिख सकते हैं इस मुकाबले में। लेकिन अभी तक की अगर बात करें मुकाबलों की, दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन कर आ रही है पिछले मैच में। तो इस वीडियो में इन्हीं दोनों टीमों की फैंटेसी 11 तैयार करने वाले, कौन सी बेहतर हो सकती है सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन, उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि भैया कैसा होने वाला पिच रिपोर्ट। टॉप प्लेयर्स इसमें आपको बताएंगे, टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 3 बॉलर्स जो इस मुकाबले के लिए बेहतर हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें क्रिकेट एडिक्टर को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 1 मई को ये मुकाबला होने वाला है, काफी मजेदार मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे से चेपॉक स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। अब दोनों टीमों, सीएसके और पंजाब किंग्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए, तो आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 28 मुकाबले खेले गए हैं और 28 में से 15 मुकाबले आपकी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। तो यानी कि टीमें एक दूसरे को अच्छी कड़ी टक्कर देते हुए दिखी हैं और एक बार फिर से दिखेगी। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 देखें, जॉनी बेस्ट्रो वहां पे वापसी करते हुए शतक लगाया था, 2 मैच इनको बाहर बैठाया गया था, लेकिन 3रे मैच में इन्होंने कहा कि भैया बस हो गया, अब शतक लगा देना, 108 रन की पारी खेली थी वहां पे। फिर सैम करन आपको दिखेंगे, अगर शिखर धवन नहीं खेलते तो कप्तानी एक बार फिर से सैम करन ही करते हुए दिखेंगे, हालांकि उम्मीद करते कि शिखर धवन इस मुकाबले में वापसी करें। वहीं राइली रूसो होंगे, फिर जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षर पटेल, किशोर रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह आपको इस टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं प्रभसिमरन सिंह आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे, उसके बाद डेरी मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और मथीसा पथिराना आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं सीएसके और पंजाब किंग्स मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो भैया एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी कि चेपॉक का ये विकेट होने वाला है, चेपॉक की पिच होने वाली है। इस विकेट पर अगर देखा जाए तो इस सीजन अभी तक बल्लेबाजों के लिए अच्छी विकेट रही है, यहाँ पे 211 रन भी चेज हो गए हैं। तो अगर चेपॉक की विकेट की बात करें तो यहाँ पे स्पिन गेंदबाजों ने भी अपना काम किया है, लेकिन इस समय इस आईपीएल में अगर देखा जाए 2024 में तो आपके तेज गेंदबाजों ने अच्छा काम करा है। मुस्तफिजुर रहमान का वो स्पेल याद आता है, पथिराना का स्पेल याद आता है, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं दोनों। तो एक बार फिर से तेज गेंदबाजों पर आप दाव लगा सकते हैं इस विकेट पर। एवरेज इनिंग की बात करें स्कोर की, तो यहाँ पे 165 यहाँ का एवरेज स्कोर रहा है काफी, लेकिन इस समय बड़ी पारियां आपको खेलते हुए दिख रहे हैं बल्लेबाज, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी आपको 200 के आसपास का टारगेट बनते हुए दिख रहा है, चेज भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मुकाबले आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर इस स्टेडियम के अगर अभी तक के स्टैट्स पे बात करें तो कुल 80 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 80 मुकाबलों में से चेपॉक में पहले बैटिंग करते हुए 47 टीमों ने मैच जीता है, जबकि चेज करते हुए टीम को 33 बार सफलता मिली है। तो यानी कि यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए एक बार फिर से टीम दिख सकती है। पिछला मुकाबला भी अगर देखा जाए जो यहाँ पे हुआ था, चेन्नई ने
टॉस जीता था और वहां पे पहले बैटिंग करते हुए बना दिए थे अच्छे खासे रन, लेकिन वहां पे फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेस कर दिया था भैया। वो मार्कस टोनिस के 124 रन की पारी देखने को मिली थी। तो एक बार लेकिन पहले बैटिंग करना यहां पे आसान रहता है, टारगेट बनाइए अच्छे से, यहां पे डिफेंड करना आपको आसान हो जाता है क्योंकि आप डिफेंड करते हुए गेंदबाजी यहां पे थोड़ी ज्यादा कारगर साबित होती है। हालांकि ड्यू नहीं आया तो आप पहले बैटिंग कर सकते हैं यहां पे। वहीं पे आ जाते हैं टॉप बैट्समैन पिक्स पे, जो इस मुकाबले के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो सकते हैं। तो भैया सबसे पहला नाम आएगा ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ ने सीजन 447 रन बनाए पिछले दो मैचों में, तो इन्होंने ऐसी धुआंधार पारी खेली है। एलएसजी के सामने शतक, फिर पिछले मुकाबले में एसआरएच के सामने शतक लगा, शतक से चूक गए थे, 98 रन पे थे, लेकिन अच्छी पारियां खेली। कप्तान ने इस समय कप्तानी पारी खेल रहे, 149 का स्ट्राइक रेट है, 9 मैचों में 447 रन, तो काफी बेहतरीन है। एक बार फिर से घर में खेलेंगे तो एक बार फिर से इनके ऊपर निगाहें रहने वाली है। वहीं शुभम दुबे भैया मिडल ऑर्डर का सबसे बैट्समैन इस आईपीएल का अगर कोई है तो वो दुबे साहब है। 350 रन, 150 की स्ट्राइक रेट, 9 मैचेस में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, 50 से ऊपर का एवरेज भी है इनके नाम। तो शिवम दुबे एक बार फिर से आपकी उस लिस्ट में होंगे टॉप बैट्समैनों की, हमारी में तो है। उसके बाद पंजाब किंग्स से भैया शशांक सिंह सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 263 रन वहां पे बना चुके हैं 9 मैचेस में, और स्ट्राइक रेट देखिए 183 का स्ट्राइक रेट। पिछला मुकाबला भी जो केकेआर के सामने जीते ना, प्रभसिमरन ने तो ऊपर से रन बनाए, आपके जॉनी बेस्ट्रो ने भी शतक लगाए, लेकिन जो शशांक सिंह ने 68 रनों की पारी खेली ना, वो कुछ अलग पारी थी। और इस सीजन इन्होंने वो हर मैच में लगभग करके दिखाया, हर मुकाबले में अपनी वो इंपॉर्टेंस को बता रहे कि भैया कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अब पंजाब किंग्स के लिए बन चुके हैं। तो शशांक सिंह पे भी एक बार निगाहें रहने वाली है। वहीं प्रभसिमरन की अगर बात करें तो भैया 208 रन ये भी बना चुके हैं, पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी 54 रनों की, 163 का स्ट्राइक रेट है, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ओपन करते हुए इनसे एक बार फिर से वो धुआंधार पारी की उम्मीद रहेगी। अब आ जाते हैं हमारे टॉप बॉलर पिक्स पे। भैया टॉप बॉलर्स की अगर बात करें तो चेन्नई की तरफ से आपको मुस्तफिजुर रहमान 8 मैचेस में 14 विकेटें ले चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी कर पावर प्ले में विकेट निकाल के दे देते हैं, डेथ ओवर्स में विकेट निकाल के दे देते हैं, मिडल ओवर्स में भी गेंदबाजी करने आते हैं तो वहां भी विकेट निकालते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। साथ में अब आगे देखा जाए तो वहां पर मथीसा पथिराना इनके साथ ही गेंदबाज है, श्रीलंका के युवा गेंदबाज, 6 मैचेस में 13 विकेट है इनके नाम और बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हर बार पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट लेके गए थे और हर मैच में ये एक मैच विनिंग स्पेल डाल के जाते हैं। इनके ओवर्स मतलब कि भैया बल्लेबाजों की शामत आने वाली है। आप देखिए कि इनके सामने रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, यॉर्कर्स इनकी बड़ी परफेक्ट गिरती है, तो मथीसा पथिराना पे भी आप एक बार फिर से दाव लगा सकते हैं। वहीं हर्ष पटेल, हालांकि चेन्नई का विकेट है, यहाँ पे स्लोअर काफ़ी काम करती है, तो हर्ष पटेल एक बार फिर से आपके लिए वो लकी साबित हो सकते हैं। 6 मैचेस में 14 विकेट इनके नाम भी है और बड़ी अच्छी वहाँ पे गेंदबाजी भी करी है, 14 विकेट ले चुके हैं अभी तक। तो हर्ष पटेल से एक बार फिर से पंजाब किंग्स को उम्मीद होगी कि भैया थोड़ी एक बार फिर से बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखे, जबकि अर्षदीप सिंह ने भी 10 विकेट अभी तक मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसमें 10 विकेट इन्होंने भी अपने नाम करे, और अर्षदीप सिंह तो पावर प्ले में आपको विकेट निकाल के देते, तो इनकी तरफ भी आप जा सकते हैं इस मुकाबले के लिए भी। पिछले मुकाबले में 2 विकेट इन्होंने निकाली थी। पिछले मैच के ही स्टार परफॉर्मर्स की हम बात कर लेते कि पिछले मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की थी, उसके हिसाब से हमें फिर थोड़ी सी और समझ मिलती है कि हमें किस खिलाड़ी की तरफ अपना दांव लगाना है। तो देखा जाए सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 98 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेली थी, जिसके दम पे सीएसके की टीम ने उनके सामने एसआरएच के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा था, उसी के दम पे 98 रन। डेरी मिचेल ने साथ दिया था अच्छा, 52 रन उन्होंने बनाए थे 30 गेंदों पे, तो अच्छी पारी। शिवम दुबे ने भी 39 रन बनाए थे, लेकिन ये टॉप 2 बैट्समैन थे जिन्होंने पिछले मैच में अपनी बैटिंग से काफी इंप्रेस किया था। उसके बाद अगर गेंदबाजों में देखा जाए तो तुषार देशपांडे ने 4 विकेट लिए थे और भैया पूरी तरीके से कमर तोड़ दी थी एसआरएच की बल्लेबाजी की। एक बार फिर से इनसे उम्मीद होगी कि भैया इस मुकाबले में भी अपने घर में खेलेंगे तो वहां भी ऐसी ही स्पेल डाले जैसा उन्होंने हैदराबाद में डाला था। और पथिराना 2 विकेट, वो तो हर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से जो रिकॉर्ड चेज हुआ था 262 रनों का, उसमें इन 3 बल्लेबाजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जॉनी बेस्ट्रो 108 रन, शशांक सिंह 68 रन, प्रभसिमरन 54 रन। देखिए मैच को अंत तो जरूर जॉनी बेस्ट्रो और शशांक सिंह ने करा था, लेकिन जो शुरुआत करवाई थी ना वो प्रभसिमरन ने करवाई थी। तो प्रभसिमरन भैया इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ओपन करने जब आएंगे तो भैया एक बार फिर से ये अच्छे साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर शिखर धवन वहां पे आते हैं तो आप प्रभसिमरन को ड्रॉप कर दीजिएगा, पहले बता रहा हूं। वहीं पे अर्षदीप सिंह ने 2 विकेट ली थी, अच्छी गेंदबाजी करी थी इन्होंने और एक बार फिर से इनसे अच्छी उम्मीद होगी गेंदबाजी की। अब आ जाते हैं इस मॉल लीग के मस्ट पिक पे। तो हमारे इस मैच के लिए जो 4 खिलाड़ी
मस्ट होने वाले इस मुकाबले में फैंटेसी टीम के लिए स्मॉल लीग में, तो भैया वो है शशांक सिंह, शिवम दुबे, मथीसा पथिराना, अर्शदीप सिंह। दो बल्लेबाज, दो गेंदबाज जिन्हें टीम से बिल्कुल बाहर नहीं रखना है। शशांक सिंह, शिवम दुबे दोनों एकदम भरोसेमंद बल्लेबाज है, मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। स्ट्राइक रेट भी आप देखिए एकदम 150 के ऊपर से चलता ही रह रहा है। मथीसा पथिराना, अर्शदीप सिंह हर मैच में विकेट लेके दे रहे हैं। तो इन दोनों गेंदबाजों को और इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों टीमों में आप रखिए। वहीं अब ग्रैंड लीग की तरफ बढ़ते हैं, तो ग्रैंड लीग की अगर बात करें तो भैया इसमें जिनके खिलाड़ियों से हमें रिस्क नहीं लेना है, भैया अजिंक्य रहाणे, इनका फॉर्म जैसा चल रहा है और इस मुकाबले में भी मेरा मानना है कि वहाँ पे अर्शदीप सामने होंगे तो शायद अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा आपको ज़्यादा रन करते हुए दिखेंगे नहीं। राइली रूसो पंजाब की तरफ से, इनका भी बल्ला कुछ IPL में खास चलता नहीं है तो इनको भी मैंने बाहरी कर रखा है। वहीं तुषार देशपांडे और प्रभसिमरन भी, क्योंकि प्रभसिमरन मेरा मानना है कि इस मुकाबले में शायद आपको बड़ा स्कोर करता हुआ ना दिखे। तुषार देशपांडे चेन्नई में खेल रहे तो यहाँ पे उनकी वो विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है। पिछले मुकाबले में जरूर 4 विकेट लेके आए लेकिन इस मुकाबले में मेरे को नहीं लग रहा कि ये ज्यादा कुछ खास कर पाएंगे। तो आइए अब बना लेते अपनी ड्रीम टीम, भैया कौन सी होने वाली है तो उसमें देखा जाए विकेट कीपरों में। तो हमारे विकेट कीपर जॉनी बेस्ट्रो, प्रभसिमरन है, वहाँ पे जितेश शर्मा भी है लेकिन मैंने उनको नहीं रखा है। धोनी क्योंकि वो एक दो बॉले खेलने के लिए आते हैं तो वो नहीं है। आपको विकेट कीपर में चॉइस मिलेगी जॉनी बेस्ट्रो और प्रभसिमरन में से, तो किसी को एक को रखिएगा, प्रभसिमरन या फिर आप जॉनी बेस्ट्रो को रख सकते हैं। वहीं बैट्समैनों की अगर बात करें तो डेरी मिचेल, शशांक सिंह को मैंने रखा है अपने इस मैच के लिए, शुभम दुबे भी वहां पे देखेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ और आशुतोष शर्मा को भी रखा हुआ है। मेरा मानना है कि कल आपको थोड़ी सी पंजाब की विकेटें गिरते हुए दिखेंगी और आशुतोष शर्मा वहां पे आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, तो आशुतोष शर्मा मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। ऑलराउंडर में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा वहां पे होते हैं और सैम करन, इन दोनों को मैंने एज ऑलराउंडर अपनी टीम में रखा हुआ है। वहीं अब बॉलर्स पे बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान, अर्शदीप सिंह, मथीसा पथिराना, इनको रखा हुआ है। आप स्पिनर्स चाहें तो वहां पे आप राहुल चहर को रख सकते हैं, पिछले मुकाबले में 262 रन बने थे, उसमें भी 4 ओवर में 33 रन दिए थे उन्होंने, तो उनको रख सकते हैं। हालांकि मोइन अली भी है वहां पे, तो ऑलराउंडर में आप चाहें तो मोइन अली को भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आप आशुतोष शर्मा को या फिर किसी एक बैट्समैन को आप हटा सकते हैं या डेरी मिचेल की जगह आप मोइन अली को अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं और बैटिंग में भी उनकी नंबर आ नहीं रहे, तो इस वजह से मैंने उनको अवॉइड कर रखा है अभी के लिए। ये हमारी टीम है गेंदबाजों में मुस्तफिजुर रहमान, अर्शदीप सिंह और मथीसा पथिराना। तो ये थी टीम CSK और पंजाब मुकाबले के लिए, उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई होगी भैया तो फिर से आपको बता दिया जाएगा कहाँ, लाइव सेशन में जहाँ पर हम आपसे रोज जुड़ते हैं मैच के पहले, तो वहाँ लाइव में आ जाइएगा। वहाँ पे एक बार फिर से आपको कप्तान, वाइस कप्तान कौन हो सकता है हमारी टीम के लिए, कौन से प्लेयर एकदम टॉप खिलाड़ी फिर से बनेंगे, कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज होता रहता है लाइव के वक्त क्योंकि वहाँ पे टॉस होता है, टॉस करके कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से भी कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। तो भैया लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देख लिए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिएगा फटाफट। उसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।